प्रिंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14 सांख्यिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर ले। और ये प्रश्नावली आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबरों की है, 15 नंबर की प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली में से बड़ा सवाल भी आएगा, 4 नंबर में, 2 नंबर में और एक एक नंबर के बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्नावली को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको गणित में पास होने के लिए ये एक प्रश्नावली आपकी काफी है। तो आप इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना और विश्वास करना, आपको इस वीडियो से, इस क्लास से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक एक नंबर के जो सवाल है उनके बारे में बात करेंगे, फिर दो दो नंबर के सवाल, फिर चार चार नंबर के सवाल के बारे में पूरी प्रश्नावली हम इसमें रिविजन कर लेंगे। तो देखो, पहला सवाल है, बारंबारता बटन के माध्य बहुलक के बीच निम्न संबंध है। बच्चों, तीनों में क्या संबंध होता है इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। इससे संबंधित सवाल भी आ सकता है, माध्य, माध्य और बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध होता है, इसका क्या सूत्र होता है। तो देखो, इन तीनों में जो संबंध होता है वो ये वाला होता है, 3 माध्य बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। मतलब इन तीनों में संबंध ये होता है, 3 माध्य के बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर ले, इन तीनों के संबंध को, ठीक है। अब देखो दूसरा है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है ज्ञात करने के लिए। देखो, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग कहां होता है, संचयी बारंबारता मतलब सीएफ। बताओ हम सीएफ कहां निकालते हैं, किसमें निकालते हैं सीएफ? तो सीएफ हम निकालते हैं माध्यक में। संचयी बारंबारता केवल और केवल माध्यक में काम आती है, ठीक है। अब अगला देखो, तीसरा, बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक बताना है। क्या बताना है? माध्यक। तो देखो, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार से बंटन आ जाए आपके पास और उसका माध्य ज्ञात करना हो, तो इसको या तो आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ बंटन को या घटते हुए क्रम में जमाओ। तो हम बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ये क्रम इसका सही करना है। अब इसके बाद एक सूत्र लगाना है, एन प्लस 1/2 वा पद, ठीक है। अब n का मतलब है इसमें कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 + 1/2 वा पद, ठीक है। अब देखो, 6 और 1 हो गया 7/2, 2 का भाग इसमें जाएगा 3.5 वा पद। अब देखो, पद मतलब पद, या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3.5 पद नहीं होता है ना। इसके लिए क्या करोगे, एक तो तीसरा पद लोगे और एक चौथा पद लोगे और उसमें 2 का भाग लगाओगे। तो देखो, तीसरा पद 1, 2, 3, तीसरा पद तो ये है और चौथा पद ये है। इसका मतलब 3 + 4/2 7/2, 2 का भाग जाएगा इसमें 3.5 भाग। तो मतलब माध्य कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो देखो, ये विषम संख्या, सम संख्या थी इसमें, इस वजह से इतना करना पड़ा। अगर विषम संख्या होती तो आपके डायरेक्ट उत्तर आ जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3.5 होगा, ठीक है। अगला देखो, सवाल नंबर 4, बंटन 3, 5, 7, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक। अब देखो, इस बंटन का बहुलक बताना है, इस बंटन का क्या बताना है, बहुलक। तो देखो, बहुलक तो सबसे आसान है, इसमें ऐसा नंबर देखो जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो बताओ सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, देखो 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, और नंबर इतनी बार नहीं आ रहा है, 4 सबसे अधिक बार आ रहा है। इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो, 4 हो जाएगा। आगे समझ में। अगला देखो, सवाल नंबर 5, निम्न बंटन का माध्यक है, ये जो बंटन दे रखी है इसका माध्यक बताना है, किसका माध्यक क्या होगा। तो देखो बेटा, इसमें एक तो दे रखा है x और एक दे रखी है बारंबारता, मतलब संचयी बारंबारता, cf दी हुई है। तो बेटा, अगर x दे रखा हो, cf दे रखा हो, cf तो लास्ट वाला जो जोड़ है, मतलब ये, इसमें आपको n बटा 2 करना है, मतलब 10 में आपको 2 का भाग देना है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, ठीक है, 5 आ गया। अब देखो, CF में 5 के सामने कितना है, X में 6, तो इसका जो माध्यक होगा
वो कितना होगा 6 हो जाएगा, तो ये वाला राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, सीएफ में जो लास्ट वाला मान है उसमें 2 का भाग लगाना है, 5 आ गया। 5 के सामने सीएफ में देखना है 5 के सामने कितना है 6, तो इसका जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे समझ में? अब देखो अगला है, एक बंटन का माध्य 14 है तथा माध्य 15 है तो बहुलक होगा। अब देखो माध्य दे रखा है, माध्यक दे रखा है और बहुलक ज्ञात करना है, तो बेटा इन तीनों में क्या संबंध होता है ये देखो। सूत्र लिखा था हमने, तीनों में संबंध क्या होता है, तीन माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सूत्र होता है आपके। ठीक है ना, अब देखो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है तो 2 माध्य को हम इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, इसके इधर आके हो जाएगा आपके माइनस का। तो देखो ये 2 माध्य हो गया माइनस का और इधर 3 माध्य था इसे ही। ठीक है ना, तो ये सूत्र ये हो जाएगा आपके बहुलक का, मतलब 3 माध्य माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है बहुलक होता है। तो देखो 3 का तो 3 इंटू माध्य कितना है 15 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 14 और बराबर क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा। 15 की 45 माइनस 14 दुनिया हो गया 28 बराबर बहुलक आ जाएगा। अब 45 में से 28 घटाएंगे तो देखो 15 में से 8 घट गए तो बच गए 7, 3 में से 2 गए तो बच गया 1, तो आपका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये सूत्र भी आ सकता है, इससे संबंधित सवाल भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान लगाना है आपको। अगला देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में निम्न का वर्ग चिन्ह है, आपको इसका वर्ग चिन्ह बताना है, 20 और 30 का वर्ग चिन्ह। तो बेटा वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, या तो मध्य मान भी कहते हैं इसे, वर्ग चिन्ह को कहते हैं मध्य मान। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग लगाना है, मतलब 20 प्लस 30 बटा 2, 20 और 30 हो गया 50 बटा 2, तो ये आ गया आपके 25। तो बताओ इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा 25 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह या मध्यमान एक ही बात होता है। ठीक है, और ये जो है ना ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। अगर पूछ ले कि इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कितनी है 20, उच्च सीमा कितनी है 30। ठीक है, अब देखो अगला, निम्न में माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां है आपके पास, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तीनों विधियों का सूत्र इसमें दे रखा है, देखो सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, ये तो है प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, देखो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ, ये है कल्पित विधि से, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, कल्पित विधि से। ठीक है ना, और देखो ये a प्लस सिग्मा f इनटू u बटा सिग्मा f इनटू h, ये है पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात, तीनों माध्य ज्ञात करने के सूत्र हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके सभी। तो सूत्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सूत्र आपको बड़े नंबर 4 नंबर दिलाएंगे। ठीक है ना, पहले इनको उतारो और भी इंपॉर्टेंट सवाल इसके हम देखेंगे। देखो अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो जैसे प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए प्रथम 10 प्राकृत संख्या। अब इसका माध्य ज्ञात करना है, बच्चों माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब सिग्मा एक्स बटा एन, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र तब लगाना है जब सिंपल आंकड़े दे रखे हो आपको, तो जोड़ो इन सबको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 और बटे में इनकी संख्या, मतलब ये कितने हैं 10 है, तो 10 आ जाएगा। अब देखो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 हो गया आपके 36, 36 और 10 हो गया 46,
तो ये आएगा 46 बटा 10, 10 का भाग देंगे तो आएगा 4.6। इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर जोड़ लेना आप, 3 और 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36, 10, 46। ठीक है ना, 10 का भाग लगा देंगे। अगला देखो, पदो 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ समांतर माध्य मतलब उत्तर दे रखा है आपको, ठीक है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो बताओ माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्य का है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो देखो माध्य कितना है 11, तो ये 11 बराबर आंकड़े कितने हैं, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस k प्लस 20, ये आंकड़ों का योग हो गया बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6, हो गया। अब देखो इस मान लो इसके बटे में 1 है, तो यहाँ वज्र गुणा करना है आपको, ठीक है ना, तो 1 तो इससे गुणा हो जाएगा और 11 इससे गुणा हो जाएगा। पहले इनको जोड़ लो, 5 और 6 11, 11 और 7 हो गया 18, 18 और 9 हो गया आपके 27, 27 और 20 हो गया 47, तो ये हो गया आपके 47 प्लस के, 1 को इधर गुणा करोगे सेम आएगा, और 11 ये कितना हो गया, 11 6 66। ठीक है, मान ज्ञात करना है k का, तो 47 को इधर भेज दो, तो k बराबर हो जाएगा 66 माइनस 47, तो k बराबर हो जाएगा, घटाओ तो यहाँ देखो 16 में से 7 गया तो बच गया 9, 5 में से 4 गया तो बच गया 1, तो k का मान आ जाएगा आपके 19। ठीक है, तो इन दोनों में से भी आपके सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना है। अगला देखो 11, निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ माध्य ज्ञात करना है, देखो यहाँ माध्य ज्ञात किया केवल आंकड़े थे, यहाँ माध्य ज्ञात करें तो आंकड़े भी हैं और बारंबारता भी है। ठीक है, तो बेटा अगर आंकड़े छोटे हो और बारंबारता हो तो प्रत्यक्ष विधि लगाओ आप, तो प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो बताओ प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्स को एफ से गुणा करना है, एफ एक्स को गुणा करो, एफ इंटू एक्स गुणा करना है आपको, तो गुणा करो, 5 चौक 20, 6 8 48 है ना, और ये हो गया 7, 7 चौक 28 और 11 118। ठीक है ना, 7 चौक 28 और 7 और 2 9 98 34 97 98, 11 8 हो गया 88 और 9 3 हो गया 27। ठीक है ना, एफ को एक्स से गुणा किया है। ठीक है, अब देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ इंटू एक्स का जोड़, आपको इनका जोड़ करना है, एफ इंटू एक्स का जोड़ करना है, तो 8 और 8 16 8 और 16 8 24 24 और 7 हो गया आपके 31, हासिल का 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 9 18 18 और 8 26 26 और 2 हो गया आपके 28। अब इसका जोड़ करना है एफ का, ये सिग्मा एफ है ना, तो 4 और 8 12 12 और 14 12 और 14 हो गया आपके 26। ठीक है, 4 और 12 14 26 26 और 14 ये हो गया आपके 40, तो इसका जोड़ आ गया आपके कितना 40। इसको एक भरो, 8 और 16 31 का 1 हासिल का 3 3 2 5 5 4 9 9 और 5 हो गया 14 14 और 8 हो गया 22 22 और 2 24, दोबारा देखो 8 और 16 24 24 और 7 31 का 1 हासिल का 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 और 18 18 और 8 26 26 और 2 28, सही है। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है 281, सिग्मा एफ का मान कितना है 40। अब सिंपल है, 40 का भाग लगाना है 281 में। ठीक है, तो भाग देंगे 281 में 40 का भाग, तो बताओ कितनी बार जाएगा भाई, 6 चौके 24 7 चौक 28 7 चौक 28 7 बार, 1 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के दशमलव उतार लेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ भाग टूट के 0, फिर 0 उतार लेंगे, ये 80 आ गया आपके 2 बार में, तो लगभग ये आपके 7.02 इसका माध्य आ जाएगा। आगे समझ में, अब देखो 12वां, ध्यान से समझना भाई, ये दो दो नंबर के सवाल है,
इसके बाद हम चार चार नंबर के सवाल करेंगे। इसमें लिखा है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये एक बंटन है जिसमें x का मान दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, इसका बहुलक बताना है। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा बड़ी बारंबारता देखनी है। बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 7। तो 7 के सामने x का मान कितना है, 30। तो यहाँ पर जो बहुलक आएगा z, वो आ जाएगा 30। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? उतारो भाई पहले। अब चार चार नंबर के सवाल। अब देखो आगे आपके चार चार नंबर के सवाल है। जो लास्ट वाला सवाल आएगा बोर्ड में, वो इन्हीं सवालों में से एक सवाल होगा। हो सकता है संख्या आपके चेंज हो सकती है, तो इन्हें आप ध्यान से समझे। चार नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर मिलेंगे। तो देखो पहला जो सवाल है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ऐसे वर्गंतराल आए और बारंबारता है, तो माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि। यहाँ पर तीनों विधियां मैं आपको बताऊंगा इसी सवाल में, तो आप तीनों विधियों को अच्छी तरह से समझ ले। अगर वहां परीक्षा में कहा गया है कि पद विचलन विधि से हल करो, तो फिर आपको पद विचलन से करना पड़ेगा। और वहां पर केवल ये कहा गया है कि माध्य ज्ञात करो, तो आप कोई सी भी विधि लगा के माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखो तीनों में से विधि कोई सी भी हो, प्रत्यक्ष हो, पद विचलन हो या कल्पित हो, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है। देखो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अब विधि कोई सी भी हो, सबसे पहले आपको x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x मतलब वर्ग चिन्ह, मतलब मध्य मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो x कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लो, 25 में 35 जोड़ा तो गया 60, 60 का आधा होता है आपके 30। तो x का मान सबसे पहले कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहां भी ऐसा ही करना है, दोनों को जोड़कर आधा कर लो, लेकिन इतना कहां तक करोगे। अब क्या करना है, सिंपल ट्रिक के लिए 35 में से 25 घटाओ तो 10, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो आप इसमें 10 जोड़ते जाओ। 30 में 10 जोड़ा तो 40, 10 जोड़ा तो 50, 10 जोड़ा तो 60, 10 जोड़ा तो 70, ताकि आपके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो गया, सबसे पहला काम है x ज्ञात करना। तीनों विधियों में से विधि कोई सी भी हो, सबसे पहले आपको x ज्ञात करना है। कर लिया भाई, अब क्या करना है। अब देखो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि लेंगे, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है, वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो प्रत्यक्ष विधि के अनुसार हमें क्या करना है, f को x से गुणा करना है। तो सबसे पहले f इंटू एक्स कर लो भाई, f को x से गुणा करना है, तो गुणा करो, 3 × 9 ये हो गया 90, 7 × 28 280, 56 × 30 तो ये हो गया 300, 6 × 36 तो ये हो गया आपके 360, 7 × 21 तो ये हो गया 210, ठीक है। तो ये f इंटू एक्स कर लिया हमने। अब देखो ये प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा कहता है कि जोड़ो, किसको जोड़ो, एफ एक्स को, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स का जोड़ करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ करेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, जोड़ो भाई, लास्ट में सबके जीरो तो ये जीरो। अब देखो 9 और 8 = 17, 17 और 6 = 23 और 1 हो गया 24, ठीक है, हासिल का 2 2 2 4 4 3 7, 7 × 3 = 10 10 और 2 = 12, तो ये हो गया 1240, ठीक है। अब देखो एफ, आपको f को भी जोड़ना है, तो सिग्मा f, f तो आपके तीनों विधियों में जुड़ेगा, ठीक है ना। नीचे देखो सिग्मा कहता है जोड़ो, किसको जोड़ो भाई, f को जोड़ो, 7 × 3 = 10 6 = 16 6 = 22 और 3 हो गया आपके 25, तो इसका जोड़ कितना आ गया, 25 आ गया। अब सूत्र में मान रखो भाई, बताओ सिग्मा f * x का मान कितना, 1240 बटा सिग्मा f का मान आया आपके 25। अब 25 का भाग लगाना है इसमें, तो 1240 में 25 का 5 × 8 = 5 × 1 = 5 बार, 5 × 10 = 24, तो 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40, 248 बार। अब 248 में 5 का भाग लगा लेंगे, तो ये 20 आएगा 4 बार में, 4 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 बार में 8 बचेगा, अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, भाग जा रहा है ना, यहाँ ज्यादा बार जाएगा आपके, 9 × 5 = 45, 9 बार जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 × 5 = 45। अब यहाँ 3 उतारा, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0, 6 × 5 = 30, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 49.6। तो इसका जो माध्य आया वो कितना आया,
49.6 आ गया। आगे समझ में? तो ये तो था प्रत्यक्ष विधि से। अब इसी सवाल को मैं पद विचलन से और कल्पित से भी आपको करके बताता हूं। अब देखो इसे हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से, मतलब कल्पित से इसका माध्य ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो कल्पित का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में भी सबसे पहले वर्ग अंतराल आएगा, तो इसका हम x ज्ञात कर लेंगे। कैसे किया गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब x ज्ञात करने के बाद इसमें आपको a मानना पड़ेगा, a क्या करना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा। और a कहां से मानोगे, a आप x वाले मान में से मानोगे, इस x में से कोई सा भी मान a ले सकते हो, लेकिन अगर आप बीच वाला मान लेते हो a तो थोड़ा आपके सही रहेगा, उससे क्या है कि आपकी जो गणनाएं हैं वो आसान हो जाएगी। तो a कितना मान लेंगे 50, तो यहां लिखेंगे मानना a बराबर 50 है। तो a आपको x में से मानना है, मान लिया। अब a मानने के बाद इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा d, क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों x माइनस a, क्या होता है x माइनस a। आपसे वहां अभासद में भी पूछ सकता है कि कल्पित माध्य विधि में d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो होता है x माइनस a, मतलब x में से a घटा दो तो d आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक से आपको ये d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो d का मान कैसे ज्ञात करोगे, जो आपने a माना उसके सामने तो जीरो लिखो, जो a माना 50 माना था a उसके सामने जीरो। अब इधर अंतर 10 का है ना, तो 10 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और 10 का पहाड़ा नीचे प्लस में, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये निकल गया d का मान। तो शानदार ट्रिक है, आपकी गलती भी नहीं होगी और आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला, जो a माना उसके सामने जीरो, अब जितने का अंतर है उसका पहाड़ा ऊपर माइनस में और उसी का पहाड़ा नीचे प्लस में। अब d ज्ञात होने के बाद f को d से गुणा करना है, तो यहां करेंगे f इंटू d, f को d से गुणा करेंगे भाई। ठीक है, तो f को d से गुणा कैसे करेंगे, देखो ये रहा f और ये रहा d, ये दोनों को 3 × 6, तो ये माइनस का 60, 7 को 10 से किया तो माइनस का 70, 6 को 0 से किया तो 0, 6 को 10 से किया तो 60, 20 को 3 से किया तो ये भी आपके 60 आ गया। अब देखो जोड़ना है सिग्मा f इंटू d को, तो ये रहा सिग्मा f इंटू d, सिग्मा f इंटू d, अब इसमें माइनस वाला अलग जुड़ेगा प्लस वाला अलग जुड़ेगा, तो माइनस वाला तो हो गया आपके माइनस का 130 और प्लस वाला हो गया 120, बाकी करेंगे तो बचेगा माइनस का 10, और f का जोड़ करना है तो हमने कर ही रखा है 25 आ गया। आगे समझ में, सभी मान आ गए। अब मान सूत्र में रखेंगे, a का मान 50 प्लस सिग्मा f इनटू d का मान माइनस का 10 और बटा सिग्मा f 25, तो इसका मान हो जाएगा आपके 25। ठीक है, अब देखो 50 ये प्लस माइनस हो गया माइनस 10 बटा 25, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 5 बार। अब देखो 50 माइनस, अब 2 का भाग 2 में 5 का भाग भी दे लो, भाग नहीं जा रहा 0.0 लगाते ये हो गया 4, तो 0.4, 50 में से 0.4 घटाओगे तो आएगा 49.6, सेम वही आएगा, वही उत्तर आएगा, विधि कोई सी भी हो उत्तर तो सेम एक ही आएगा। ठीक है, तो कल्पित समझ में आ गए। अब पद विचलन भी देख लेते हैं। अब देखो इसी सवाल को हम पद विचलन विधि से भी हल करेंगे। देखो संख्याएं आपके चेंज हो सकती है, बाकी तरीका आपके सेम रहेगा, तो मैं तीनों विधि आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो अगली है आपके पद विचलन विधि। ठीक है, अब पद विचलन विधि से कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो देखो इस विधि में भी सबसे पहले अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो x ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करने के बाद a आपको मानना पड़ेगा, तो a वही हम 50 ले लेंगे, बीच वाला नंबर जो बीच में हो वही लेना है x में से, आप कोई सा भी नंबर लोगे तो भी सही है, लेकिन आप बीच वाला लेंगे। तो मानना a बराबर हो गया आपके 50, a ज्ञात कर लिया हमने।
अब a के बाद u ज्ञात करेंगे, तो बेटा u ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस a बटा h, x माइनस a बटा h, तो वहां ध्यान रखें अपसदर में भी आ सकता है। पद विचलन विधि में u ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस a बटा h होता है, ठीक है। अब आपको u ज्ञात करने की भी ट्रिक बता रहा हूं मैं, कैसे करनी है, जो a मान है उसके सामने जीरो, अब ऊपर गिनती माइनस में और नीचे गिनती प्लस में, देखो कल्पित में तो लिखना है अंतर का पहाड़ा और पद विचलन में गिनती लिखनी है आपको, चाहे विधि कोई सी भी हो आपको गिनती ही लिखनी है, मतलब मतलब सवाल कोई सा भी हो आपको गिनती लिखनी है, ठीक है। अब f u के बाद f को u से गुणा करना है, f इंटू यू करना है भाई, तो ये रहा f और ये रहा u, तीन दूनी छ, सात एकम सात, छह को जीरो से जीरो, छह एकम छ, तीन दूनी छ, आ गया। अब f इंटू यू को जोड़ना है, ये तब जोड़ेंगे f इंटू यू सिग्मा f इंटू यू, तो देखो माइनस वाला अलग तो माइनस का 13, प्लस वाला अलग 12, घटाएंगे तो माइनस का 1, आगे सभी मान सूत्र में रखो, a का मान 50, सिग्मा f इंटू यू का मान माइनस का 1 बटा सिग्मा f इसका मान 25 और गुणा में h, एच का मतलब होता है यहाँ कितने का अंतर है सब में, 10-10 का अंतर है तो 10 आ जाएगा। अब देखो काटो, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, ठीक है, 50 ये प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बटा 5, 50 माइनस 2 का भाग जाएगा 0.4 और घटाओगे तो आ जाएगा 49.6, ठीक है। तो ये तीनों विधियां आपके कंप्लीट हुई, तो आपको अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। अब देखो बहुलक और माध्यक भी हम देखेंगे, देखो अगला जो क्वेश्चन लिया है हमने वो है बहुलक, 100% आपके 4 नंबर का बहुलक आएगा और अथवा में आएंगे क्वेश्चन तो 100% बहुलक आएगा और सबसे आसान भी है, तो आप इसे तो 100% तैयार करके जाइएगा, 4 नंबर आपके फिक्स है, ठीक है ना। तो देखो बहुलक में आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, बहुलक का सूत्र यदि याद है तो आप आसानी से बहुलक कर पाओगे। तो बेटा बहुलक का सूत्र क्या होता है बताओ, बहुलक को हम जेड से लिखते हैं, जेड बराबर इसका सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा दो एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा में एच, ये सूत्र होता है आपके बहुलक का, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब बहुलक में आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना, आपको एक्स वेक्स कुछ भी ज्ञात नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, बताओ सबसे बड़ी बारंबारता 61, तो इसके सामने इस प्रकार से आपको डिब्बे में से बंद कर देना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है और उसको इस प्रकार से डिब्बे में बंद कर देना है, कर दिया। अब देखो ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है इसे एफ वन कहते हैं, अब गणित में एक के बाद दो आता है तो ये एफ टू है और एक से पहले जीरो आता है तो ये एफ जीरो है, तो देखो सभी मान हमारे आ चुके हैं। अब देखो सूत्र के अनुसार, सूत्र में सबसे आगे आगे एल है, इस लाइन में सबसे आगे आगे 60 है तो एल का मान होगा आपके 60 प्लस, अब देखो एफ वन 61, एफ जीरो 52, तो एफ वन 61 माइनस 52 बटा 2 इंटू एफ वन 61 माइनस एफ जीरो 52 माइनस एफ टू 38, तो एफ टू आ जाएगा 38 और गुणा में एच, एच का मतलब होता है इनके बीच में कितने का अंतर है 20 का, तो यहाँ आ जाएगा आपके 20, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको हल करना है आपको 60 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 61 में से 52 घटेगा तो यहाँ बचेगा 9, ठीक है, 61 में से 52 गए तो 9 बच गए। अब यहाँ गुणा करेंगे दोनों को तो ये हो गया आपके 6 × 12 122 माइनस, ये दोनों को जोड़ना है लेकिन चिन्ह आपको माइनस का ही रखना है, तो ये हो गया आपके माइनस का 90 × 20। अब देखो आगे 60 प्लस 9 बटा यहाँ घटाओगे तो 32 आएगा इंटू 20 आएगा, ठीक है ना, 122 में से 90 घटाएंगे तो 32 बचेंगे।
अब देखो यहाँ कट रहा हो काटे 8 चौक 32 और 5 चौक 20 पांच बार चार से ना 4 8 32 और 4 5 20 अब ये देखो 60 प्लस 9 5 45 बटा 8 60 प्लस 8 का भाग देना है 45 में तो 8 5 40 बच गए 5 पॉइंट लगाया 0 उतारा 8 6 48 बच गए 2 उतारा 0 8 2 16 तो आ गया 5.62 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 में 5 जोड़ा तो आएगा 65.62 तो आपका जो बहुलक है वो कितना आ गया 65.62 तो बच्चों संख्या आपके और आ सकती है लेकिन ये वाला सवाल गारंटी के साथ लिख लो 100% आएगा 4 नंबर में तो अच्छी तरह से तैयार कर लो फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो ओके उतारो देखो अगला सवाल है आपके इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है ठीक है तो आपके माध्यक भी आएगा 4 नंबर में ठीक है ना तो अथवा में आएगा तो बहुलक या माध्यक दोनों में से एक करना होगा आपको तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए माध्यक देखो सबसे इंपॉर्टेंट है माध्यक का सूत्र आपको याद होना चाहिए तो इसका सूत्र होता है एम बराबर ठीक है एम बराबर एल प्लस एन बटा दो माइनस सी बटा एफ गुणा में एच तो ये होता है आपके माध्यक ज्ञात करने का सूत्र एम से माध्यक को दर्शाते हैं हम ठीक है तो ये माध्यक का सूत्र होता है अब बेटा माध्यक ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले आपको सी एफ ज्ञात करनी पड़ेगी सी एफ बोले तो संचयी बारंबारता देखो हमें माध्यक ज्ञात किया था शुरू में माध्यक उसमें एक्स ज्ञात किया बहुलक में कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो माध्यक है इसमें आपको सी एफ ज्ञात करनी पड़ेगी तो सी एफ मतलब कहां से ज्ञात करेंगे एफ से ये एफ का मान है तो यहीं से सी एफ निकालेंगे कैसे देखो पांच का तो पांच अब पांच में नौ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 22 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 34 ठीक है अब 34 में ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 47 और 47 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 50 ठीक है 5 का 5 5 में 9 जोड़ा 14 14 में 8 जोड़ा 22 22 में 12 जोड़ा 34 34 में 13 जोड़ा 47 47 में 3 जोड़ा 50 आ गया अब ये जो लास्ट आया ये योग इसका करना है आपको n बटा 2 n का मान 50 बटा 2 2 का भाग जाएगा 25 बार ठीक है गया अब क्या करना है आपको इस CF में 25 से अधिक संख्या लेनी है तो 25 से अधिक कितना है 34 25 से ज्यादा 34 है तो इसके सामने इस प्रकार से इनको ब्लॉक कर लेना है ले लिया अब चलिए सूत्र में बताओ सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है L इसमें सबसे आगे आगे 50 L का मान आ जाएगा 50 प्लस n बटा 2 का मान 25 माइनस सी का मतलब होता है संचयी बारंबारता तो देखो पहले हमने 25 से अधिक लिया था अब सूत्र में 25 से कम लेंगे तो 25 से कम कितना है 22 तो 25 से कम आ जाएगा 22 बटे में f का मतलब होती है बारंबारता तो बारंबारता देखो ये बारंबारता कितनी आ रही है 12 तो बारंबारता आ जाएगी 12 इंटू h का मतलब होता है अंतर बताओ कितने का अंतर है 10 का तो यहाँ आ जाएगा 10 अब आगे हम करेंगे देखो 50 प्लस अब देखो 25 में से 22 गए तो 3 बटा 12 इंटू 10 ठीक है अब देखो 50 प्लस 3 से ये कटेगा 4 बार ठीक है 2 से 2 बार 2 से 5 बार और 2 का भाग 5 में दोगे तो 2.5 बार जाएगा ठीक है दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 52.5 तो इसका जो माध्यक आया वो कितना आ गया 52.5 आ गया ठीक है तो बच्चों ये सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको बताए हैं इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा बोर्ड में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर